There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Well, I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. Everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. Ooh, ooh, ooh. Ooh, memories bring back you. I was just going through this song today, and it actually recalled my memories of becoming a cabin crew. Aur main janti hu ki bahut sare log aspire karte hai to become cabin crew, getting paid to see the world, and bahut sare dreams hote hai hamare jab hum is job ke bare mein sochte hai. एंड मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग इट विथ यू गाइस कि जितने लोग सोच रहे हैं कि हम कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, बट किसी ना किसी वजह से ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं. शायद लोग कहते हैं कि हम में वो बात नहीं है, हम किसी और को देख के अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, शायद मे बी फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू, और बहुत 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 सारी चीज़ें होती है कि यू आर मे बी इन सम अदर फील्ड ऑल्सो एंड यू फील लाइक टेकिंग अ शॉट फॉर दिस कैबिन क्रू थिंग, बट कोई ना कोई रीजन से हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं. बट ट्रस्ट मी, आई वॉज डूइंग माई मेडिकल्स वेन आई बम्प्ड इनटू द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू. मैं मेडिकल्स कर रही थी अपना, एंड I remember there was a girl who used to stay in my society, in my colony, and the girl next door, and she told me the entire idea of becoming an air hostess. और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि वाओ, यू हैव टू गेट रेडी, एक अच्छी सी पर्सनैलिटी होनी ज़रूरी है. एंड आई वॉज कम्प्लीटली अ टॉम बॉय, आई डिड नॉट नो हाउ टू ग्रूम माई सेल्फ. येस, द ओनली बिट दैट आई हैड दैट टाइम वॉज अ लिटल बिट ऑफ इंग्लिश, जो मुझे मेरी जीन्स में थोड़ी सी मिली हुई थी कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी. बट आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ वॉट एन एयर हॉस्टेस डज. And she was doing this course and she was giving her interviews with certain airlines, but she got rejected. And my dad told me one thing, that if you decide something for yourself, that's your worth. And वो आपका worth होता है, वो आपका decision होता है, जो आप बाद में किसी और पे blame नहीं कर सकते, that someone else made you choose this thing. तो उस बात ने मेरे दिमाग में घर कर दिया छोटा सा, एंड आई वाज लाइक नो वन कैन डिसाइड एनीथिंग फॉर मी, और मुझे अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है, वो मेहनत करना जरूरी है. एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कैबिन क्रू थिंग. इंटरव्यूज आ रहे थे एंड आई गिव माय इंटरव्यूज एंड आई गॉट रिजेक्टेड. आई लॉस्ट कम्प्लीटली, मैं डर गई थी, मैं रो रही थी, एंड आई हैड लॉस्ट ऑल माई होप्स ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू. बट अगैन, मेरे लिए डिसीजन था मेरे हाथ में कि मैं मेडिकल्स करके इंडिया के बाहर चली जाऊं और फिर वहां पे अच्छा सा जॉब एक लेके करूं, जो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था, बिकॉज मेरे घर पे सब मेडिकल्स से थे, एंड माय ब्रदर वाज अब्रॉड, एंड दे आल्सो वांटेड मी टू डू समथिंग, एंड यू नो उस टाइम मेडिकल्स का चांसेस बाहर ज़्यादा था, तो और कोई फील्ड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था. एक डिग्री होनी चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए, उससे ज़्यादा दिमाग में आइडियाज नहीं थे. सो देन आई वॉज लाइक कि अब डिसीजन मेरे हाथ में है, मुझे करना क्या है. आई वेंट ऑन विथ माई मेडिकल से लिटिल बिट, बट मन नहीं था, आई वॉज नॉट हैप्पी विथ दैट. एंड मेरे अंदर एक चीज थी कि इफ आई एम नॉट हैप्पी एंड नॉट कन्विंस्ड, आई विल नॉट डू इट. ट्रस्ट मी, आई वॉज दैट पर्सन कि अगर मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूँगी, और मैंने अपना मेडिकल्स ड्रॉप कर दिया. आई लाइक आई कॉन्ट डू इट, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ. और मैंने इंटरव्यूज वापस देने स्टार्ट किए, और मैंने पहले तो ये दिमाग में ठान लिया कि मुझे ये जॉब करनी है, क्योंकि एक बार मैं इंडिया के बाहर जाऊँ या फिर मेरी जॉब ही ऐसी हो कि मैं पूरी दुनिया घूम पाऊँ. सो मेरे लिए जब मैंने कंपेरिजन रखे कि ओके, वन सेट जॉब, अ जॉब दैट इज गिविंग मी द एंटायर वर्ल्ड,
एक फिक्स सैलरी या फिर एक हाई लेवल की सैलरी एंड फाइव स्टार होटल्स एंड कैब्स एंड लाइफस्टाइल और एयरप्लेन्स एंड दैट पर्सनैलिटी, और जब लोग आपको रोल मॉडल समझे, आप सेलिब्रिटीज से मिल सकते हो, इतनी इतनी सारी चीजें. सो आई चोज द हायर लेवल, दैट वॉज द कैबिन क्रू. और वापस इंटरव्यू दिया, वापस रिजेक्ट हो गई. एंड मुझे ऐसा था कि अरे मैं मेडिकल्स कर रही हूँ एंड आई एम गुड विथ इंग्लिश, तो शायद मेरा हो ही जाना चाहिए, कैसे नहीं होगा. एंड अगेन आई ब्रोक डाउन कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज आई वॉज नॉट थरो वॉट अ कैबिन क्रू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल अबाउट, और एक्चुअली वो मेरी पर्सनैलिटी में क्या देखना चाहते हैं. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं अपने आगे के वीडियोज में आपको बताऊंगी कि कैबिन क्रू की तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हो. So I started researching and yes, I made it through one of the airlines of our country that I got through with it. And after that, aur airlines ke saath mujhe opportunities mili and I started flying as a cabin crew, which changed my complete personality. And I'm thankful to God today ki maine wo din agar ye decision nahi liya hota ki mujhe cabin crew banna hai. Haan, mehnat hai. Because you become the brand ambassador, the face of the company. Five-star hotels, free में travel करना, एक बहुत 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 अच्छी high paid salary, आपकी personality में change, और इतना बड़ा exposure जब आपको मिलता है तो airline भी आपसे कुछ चीज़ें demand करती है कि आपकी एक personality में बहुत सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, because आप सिर्फ वहाँ पर makeup करके घूमने के लिए नहीं होते. You are there for the safety. You are trained for staters. You can deliver a baby on board. अगर कोई भी situation आता है, कोई भी emergency होती है, तो आप ही होते हो जो सबका ध्यान रखते हैं. And you are the life saver. Everyone looks up to you and you are a role model and you are the hero on board. So ये सारी personality होनी बहुत 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 ज़रूरी हो जाती है, and which made me the person I am today. I'm confident and I think अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं आज ये नहीं होती. एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं फ्लाई करूं, दुनिया देखूं, मेरे मॉम डैड को पूरी दुनिया दिखाऊं. एंड देन आई बिकेम अ सीनियर कैबिन क्रू एंड देन अ लीड कैबिन क्रू एंड द जर्नी वेंट ऑन, लीड और टीम लीडर और कैबिन मैनेजर, व्हाटएवर यू कॉल इट. So I got an opportunity to do all those things and here I am today to talk to you guys ki agar decision le rahe ho ki cabin crew banna hai ya life change kar deti hai ye job, it changes your world, it gives you an exposure, it gives you a career. Aur aisa kuch bhi nahi hai ki koi set time tak aap kaam kar sakte ho, shaadi ho jane ke baad kaam nahi kar sakte, if you have babies then you can't work, aisa kuch bhi nahi hai, aisa kuch bhi nahi. I'll come up with myths and truths jo actual mein ye mentality ko tod dega. Aur ye job is one of the safest jobs I think, especially for girls I would say. Ye sabse pehla question mark hota hai ki job safe hai ya nahi. It is the most amazing and the safest job on earth. बिकॉज आप पूरे टाइम सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हो एंड इट इज़ एन अमेजिंग जॉब, इट इज़ अमेजिंग. तो अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो सेकेंड थॉट मत दो. ये आपका वर्थ है एंड दिस इज योर डिसीजन. फेल हो रहे हो, वापस ट्राई करो. सांस चल रही है, दैट मीन्स यू कैन स्टिल गो हैड एंड डू इट. जब तक सांस है, जब तक जिंदा हो, गिव इट अ ट्राई, बिकॉज ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क डज बीट टैलेंट. अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो पाएगा. एंड आई एम ऑलवेज देयर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड आंसर योर क्वेश्चंस. एंड आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेरीज दैट आर देयर इन योर माइंड. बट फॉर नाउ दिमाग में ये बिठा लो कि कैबिन क्रू अगर बनना है, मेहनत लगेगी. इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उस पर वर्कआउट किया जा सकता है. बहुत सारे कॉन्फिडेंस या बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहा है, उस पर भी वर्कआउट किया जा सकता है. बट आपके सपनों पर वर्कआउट किया नहीं जा सकता. सो अगर सपने हैं एंड उसको गोल्स बनाना है, मेहनत करनी है, देन गो अहेड एंड डू इट गाइस. इट्स अमेजिंग एंड इफ आई कुड डू इट, यू कैन डू इट टू. डर लगता है, डरते डरते कर लो, उस साइड दुनिया कुछ और होगी. सो प्लीज गो अहेड एंड प्रिपेयर वेल, डू द बेस्ट,
Leave the rest to God. He is there to take care of you. If you have, again, if you have any questions, you can write it down below in the comment section below, and I'll be happy to answer that. तो अच्छे से prepare करो, अच्छे से goals बनाओ, मेहनत करो, और I'll see you around sometimes in all next videos wherein I'll get more information. And अगर specifically आपको कोई question है तो आप वो लिखिए, I'll be happy to answer them. So till then, bye-bye, take care, and God bless you.